हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिब्लिस्टिक में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में कैसे आप फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, मैं एक अकाउंट को डिलीट करके दिखाऊंगा, लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, ठीक है। मोबाइल से ही दिखाऊंगा, ठीक है, फेसबुक ऐप से ही दिखाऊंगा। आपको करना क्या है, फेसबुक आपको ओपन करना है, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से आपको छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अभी तक लाइक नहीं है तो लाइक कीजिए, चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह वीडियो चैनल पर मिलती रहेगी। और कमेंट करके बताइए कैसे लगे वीडियो, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आपको फेसबुक आपको ओपन करना है, ठीक है। फेसबुक ऐप को ओपन करने के बाद आपको कुछ ट्राई करना पड़ता है। यहाँ में थ्री लाइन दिखा रही है, थ्री लाइन में क्लिक कर देना है। थ्री लाइन में क्लिक कर देने के बाद आपको नीचे चले आना है। नीचे में देखिए सेटिंग्स एंड प्राइवेसी दिखा रहे हैं। सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में जाने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। हमें सेटिंग्स में जाना है, ठीक है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको कुछ इस तरह का पेज खुल कर आ जाएगा। आपको नीचे स्क्रॉल करके जाना है। स्क्रॉल करके आती है तो यहाँ में अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल्स यहाँ में जाना है, ठीक है। यहाँ में जाने के बाद आपको कुछ इस तरह का पेज खुल कर आ जाएगा। यहाँ में देखिए डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन यहाँ में क्लिक कर देना है। यहाँ में जाना है, ठीक है। यहाँ में आने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। यहाँ में देखिए डीएक्टिवेट अकाउंट या डिलीट अकाउंट, आपको डिलीट अकाउंट में टिक लगा देना है, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीशन हमें क्लिक कर देना है। हमें क्लिक कर देने के बाद आपको कुछ इस तरह का पेज खुल कर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ हमें कहते हैं कि आप किस लिए फेसबुक अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आपको नीचे देखिए कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीशन हमें क्लिक कर देना है। यहाँ हमें क्लिक कर देने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। यहाँ हमें नीचे चला जाना है। निशाने क्या होता है, हम डिलीट अकाउंट दिखा रहे हैं, डिलीट अकाउंट में क्लिक कर देना, ठीक है। डिलीट अकाउंट में क्लिक कर देने का आपको जो अकाउंट है उसको पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। पासवर्ड आपको लिख देना है, मैं लिख देता हूँ पासवर्ड। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। कंटिन्यू में क्लिक कर देने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल कर जाएगा। कंटिन्यू में क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ में देखिए डिलीट अकाउंट है, डिलीट अकाउंट में फिर में क्लिक कर देना है। फिर क्लिक कर देने के बाद आपको अकाउंट डिलीट हो जाएगा परमानेंट के लिए, ठीक है। अकाउंट परमानेंटली डिलीट कुछ इस तरह का लिखा होती है। यहाँ में कंटिन्यू डिलीट में क्लिक कर देने के बाद आपको देखिए डिलीट हो गया। आपके ईमेल आ गया, देखिए मैसेज आ गया, डिलीट हो गया, देखिए। अब आपको अब उस फेसबुक अकाउंट को 30 डेज तक आप अकाउंट को लॉगिन नहीं करना चाहिए, ठीक है। लॉगिन कर देता फिर से आप रिकवरी कर देते अकाउंट को, ठीक है। आपको लॉगिन नहीं करना है 30 डेज तक लेकिन नहीं करेंगे तो आपको परमानेंटली डिलीट हो जाएगा फेसबुक सर्वर से। आप परमानेंटली डिलीट हो जाएगा 30 डेज तक आप लॉगिन नहीं करेंगे तो लॉगिन नहीं करना चाहिए। तो आपको वीडियो कैसे लगे कमेंट करके बताएं। वीडियो अभी तक लाइक नहीं है तो लाइक करके जाए। चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह वीडियो चैनल पर मिलती रहेगी। और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।